प्रयास नहीं किया कि यार ये फालतू जो आपका कौन बोलते हैं उनसे टाइम पे आना पड़ता है टाइम पे जाना पड़ता बात असली ये है ये चला ही नहीं उन्होंने और बंद भी कर रखी है ताकि आप लोग टाइम रिकॉर्ड लगा विकलांग पेंशन ये जिम्मेदारी की है तो ये क्या क्या है आपने मेरे बाढ़ के साथ लिखा है वो बाढ़ को तो मुझे लगा कर मैं अपना गुस्सा चला प्रधानमंत्री आवास योजना का मॉडल है जरा या तो ये पब्लिक आज मेरे द्वारा और जिला विकास अधिकारी द्वारा रुड़की ब्लॉक का यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया है। तो ब्लॉक में जिस तरह से सबको पता है बहुत सारी योजनाएं ब्लॉक ऑफिस के माध्यम से संचालित की जाती हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, समाज कल्याण की भी यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड की जाती है, समाज कल्याण विभाग भी यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, वैसी प्रधानमंत्री आवास योजना, NRLM आदि। तो सबसे पहले तो सभी योजना के जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब निरीक्षण किया गया, देखा गया रिकॉर्ड कीपिंग ब्लॉक में किस तरह से की जा रही है। कुछ खामियां ज़रूर यहाँ पे देखने को मिली, जैसे सफाई को लेकर BDO को डायरेक्ट किया गया है कि सब जगह पे जो सफाई व्यवस्था है उसे दुरुस्त की जाए, जो फर्नीचर है जो निष्प्रयोज्य होने लायक है उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए और नया फर्नीचर लिया जाए। ब्लॉक एक ऐसी जगह है, एक ऐसा ऑफिस है जहाँ पे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे लोग बहुत रेगुलरली यहाँ पे आते हैं, क्योंकि बहुत सारी सेवाएं हैं, बहुत सारे लाभ हैं जो ब्लॉक ऑफिस से उन्हें मिलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे ऑफिसेज में जहाँ पे लोगों का आवाजाही बहुत ज़्यादा रहता है उसमें हम एकदम उत्कृष्ट तरह की सेवाएं प्रदान करें, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सफाई व्यवस्था वहाँ पे अच्छी रहे, फर्नीचर वहाँ पे अच्छा रहे, लोगों के लिए जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, टॉयलेट्स की फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी रहे। इन्हीं को लेकर कुछ कुछ इशूज़ हैं और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट कराई हैं BDO को, और मैं उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब मेरा इंस्पेक्शन रहे तब तक ये सारी प्रॉब्लम्स को सही किया जाएगा और ऑफिस की व्यवस्था को और ज़्यादा सुदृढ़ किया जाएगा। यहाँ पे रुड़की ब्लॉक ऑफिस में मैंने पाया कि बायोमेट्रिक की जो मशीन है वो ख़राब हो रखी है, ये डेफिनेटली थोड़ी लापरवाही दर्शाता है ब्लॉक के सभी कर्मचारियों के पक्ष में अगर मैं बात करूँ तो। तो यहाँ पे उनको डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जैसे बाकी सब ऑफिसेज में बायोमेट्रिक मशीन चल रही है वैसे यहाँ की मशीन को भी फटाफट सही कराया जाए। साथ में ही स्टोर रूम की जो हालत थी वो बहुत ख़राब रही, क्योंकि स्टोर रूम में आम तौर पर कई लोगों का ये रहता है कि जो एकदम यूज़लेस चीज़ होती है उसको हम स्टोर में रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पाया कि बहुत बेकार पुरानी चीज़ें भी जिनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाना चाहिए था अब तक, वो स्टोर रूम में ही सजा के रखी हुई हैं। तो ये मेरे न केवल BDO से लेकिन बाकी सब गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी जो भी स्टोर रूम मेंटेन करते हैं या बायोमेट्रिक मशीन यूज़ करते हैं उन सबको भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सब ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं इनको हमेशा अपने ऑफिसेज में